रविवार को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ, जिसके बाद अब माइनर ऑफेंसेस हो या फिर मेजर, हर ऑफेंस का जुर्माना लगभग 10 गुने से बढ़ा दिया गया है। इस पर दिल्ली वासियों की क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ की बत्ती पर। और यहाँ जो टू व्हीलर्स पर लोग हैं उनसे शुरू करेंगे। सर, 10 गुना ज़्यादा जुर्माना कर दिया है, तो ये हेलमेट अगर आप गलती से पहनना भूल जाते हैं तो भी 1000 रुपये का फाइन आपको होगा, क्या कहना है? ये फाइन ज़्यादा है और ये फाइन ज़्यादा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? हेलमेट कभी आपको क्या लगता है, इससे फ़ायदा होगा या आपको डर है कि आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते? नहीं, फ़ायदा तो है, हमें फ़ायदा है, हेलमेट लगाने से हमारा ही सेफ्टी है। लेकिन फ़ाइन ज़्यादा है। आपसे पूछेंगे क्या राय है आपकी, अब जुर्माना 10 गुना ज़्यादा हो गया है हेलमेट पे? आपने हर चीज़ पर ही, चाहे वो माइनर ऑफेंस हो, हेलमेट पहनना हो, फ़ोन पर बात करना हो, वो टू व्हीलर पर हो या बाइक पर हो। मैम, ऑफेंस तो ऑफेंस है, अब पब्लिक जब तक कुछ मतलब कड़ा कदम नहीं लिया जाता तो तब तक उसको मानती भी तो नहीं है। आप बाइक चला रहे हैं, अब आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे या आपका एटीट्यूड पहले जैसे? मैम पहले से ही सतर्क रहता हूँ, पहले से ही रूल्स को फॉलो करता हूँ, और पब्लिक भी अब शायद ज़्यादा सतर्क रहेगी थोड़ा सा, उससे एक्सीडेंट की जो वो है कम होंगे। और ये पब्लिक भी ज़्यादा सतर्क रहेगी, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, यहाँ पर अब जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया है, तो ये हेलमेट अगर आपने गलती से नहीं पहना तो 100 रुपये के फाइन से अब 1000 रुपये का फाइन? 1000 रुपये का, पर अच्छा नहीं हुआ ये। जानकारी थी आपको कि अब ये नया एक्ट लागू हो गया? हाँ जी जानकारी। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ? मैम क्या हुआ, जो 1000 रुपये तो कोई भी पे कर पाएगा, 100 रुपये चलान करके गवर्नमेंट के खाते में जाता था वो अच्छा था। 1000 रुपये आपको कहाँ लगता है, कहाँ जाएगा? पुलिस वालों की जेब में जाएगा, और कहाँ जाएगा वो? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। गाड़ी में जो लोग हैं उनसे बात कर लें फटाफट, हर जगह आइए इनसे पूछ लेते हैं। सर, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जुर्माना बहुत बढ़ गया है, आपकी क्या राय है? इट इज़ गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा है। अब आप ज़्यादा, आपके एटीट्यूड में कोई फ़र्क आया, अब आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेंशन पे कर रहा हूँ कि मेरी जो है स्पीड लिमिट क्रॉस ना हो, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान, कि मैं जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी ना करूँ अपना, सबको जगह दूँ। मैंने और देखा नहीं कि कोई भी एक पर्सन विदाउट हेलमेट ड्राइव कर रहा है रोड पर, तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन कि सब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सबकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है ये सब। सबकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कोशिश करते हैं। एक किसी और व्यक्ति से हम बात कर सकें। हेलो सर, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जुर्माना 10 गुना बढ़ गया है, अब आप क्या ज़्यादा सतर्क रहेंगे या आपका एटीट्यूड पहले जैसा? नहीं मैडम, लोग बाग चेंज तो होंगे, जो गलतियां करते थे वो सुधरेंगे उससे। गलतियां, आपको क्या लगता है, गलती से सीट बेल्ट अभी आप लगाना भूल गए होते तो 10 गुना ज़्यादा फाइन? वो कई बार होता था, कई बार रह जाती थी तो जो है वो फाइन भुगतना पड़ता था जी। तो अब आप ज्यादा सतर्क रहेंगे? बिल्कुल सतर्क रहेंगे जी। ज्यादा सतर्कता या लोगों में देखी जा रही है, आईटीओ की ये बत्ती है, अब हमें शायद साइड हो जाना चाहिए, किसी भी वक्त बत्ती चालू हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रखने की बात यही है कि आप जहाँ पर देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ, तमाम टू व्हीलर्स, और सभी ने इस वक्त, अच्छी बात यह है, यहाँ हेलमेट लगाए हुए सभी नजर आ रहे हैं। आईटीओ का खैर एक डिसिप्लिन ट्रैफिक जोन भी माना जाता है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली वासियों से बातचीत करके लग यही रहा है कि अब जब 10-10 गुना फाइन बढ़ा दिया गया है, तो जिस एटीट्यूड के साथ पहले दिल्ली में लोग गाड़ियां या बाइक्स चलाते थे, अब उससे कई ज़्यादा सतर्क रहेंगे, क्योंकि अब चाहे आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो, हेलमेट ना पहना हो, से लेकर स्पीडिंग या ड्रंक ड्राइविंग, जुर्माना बहुत ही मोटा होगा।